कपड़ा पहन ले, कपड़ा पहन ही रहो, करो कपड़ा ऐसे नहीं पहनता हूँ, बहुत मच्छर है। बोले पहना छोड़ भी पड़ते हैं, गेट खोलिया गाड़ी का कपड़े। अच्छा जो स्टैंड तासो नौ जात जैसे घर में कोई ना हो या अब ने अगर जब ना ये मैं देते रहे मां कर दें कि चल हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से ममता ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बड़ी दीपावली दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, सभी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से, ममता ब्लॉग की तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबकी दिवाली कैसी हो मन रही है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज बड़ी दिवाली है, ये बड़ी दीपावली का ब्लॉग है मेरा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, बर्फी बनाने जा रही हूँ, मिठाइयाँ और भी बनाऊँगी, वो अगले ब्लॉग में आएगा। तो देखिए अभी तो फ़िलहाल मैं ये एक वीडियो सेंड करूँगी आपके पास, बर्फी बनाऊँगी लौकी की। और आप लोगों ने दिवाली के अवसर, शुभ अवसर पर किस किस ने मिठाइयाँ क्या क्या बना ली हैं अपने अपने घरों में, सभी अपने अपने घरों में तैयारियों में जुटे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी मिठाई बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मन्नू भी आ गए थे, तब तक मैं लौकी कद्दूकस कर रही थी, उसी वक्त मन्नू आ गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मन्नू मेरे साथ ही रहता है ज़्यादातर। मुझे देख ले कि वीडियो बन रही है और कैमरा लगा हुआ है, तो एकदम फटाफट आ जाता है। और देखिए मन्नू बैठ गया है यहाँ पर स्लैब पे, और मैंने रख दी है बर्फ़ी बनने के लिए। और मैं चीनी, देखिए लौकी के हिसाब से ही चीनी डालूँगी, क्योंकि लौकी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी है लौकी, उसी हिसाब से मैं चीनी इसमें डालूँगी। और देखिए मन्नू यहाँ पर स्लैब पे बैठा हुआ है फट्टे पर, और वो भी इशारा कर रहा है कि इसमें चीनी डालो, अब इसमें ये डालो वो डालो। देखिए इधर बैठा है, ये देखिए मानता नहीं है, बस साथ ही रहता है मेरे। तो देखिए आप लोग भी बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। आप लोग ब्लॉग पूरा नहीं देखते हो, थोड़ा सा देख लेते हो बस छोड़ देते हो। तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा, और पूरा देखोगे तभी पता चलेगा आगे क्या है और क्या नहीं है इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले तो लौकी हल्की बॉयल कर ली थी और उसमें चीनी डाल दी है। अब देखिए ये उबलने लगी, उबलने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये अच्छे से नहीं पक जाती है, और तब तक मैं देखती हूँ। अभी मेरे पास बहुत काफ़ी काम पड़ा है, त्यौहार को वैसे भी काम हो जाता है ज़्यादा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बर्फ़ी बनने वाली है और मैंने फ्रिज में खोया रखा था वो भी निकाल दिया है, क्योंकि फ्रिज में रखे रखे टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट रखा था तो मैंने सोचा पहले ही निकाल देती हूँ। वैसे तो मैं भूंज लेती हूँ खोया, और ये नहीं भूनूंगी क्योंकि अगर दोबारा से भूनूंगी तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा इस वजह से। तो देखिए मैंने ये दिन में वीडियो बनाई थी और रात को मैंने एडिट की है, और रात को ये अभी डालूंगी, थोड़ी देर में आएगी, थोड़ी लेट आएगी पर आज ही डालूंगी क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने खोया डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, यहाँ पर इसे अच्छे से मिला दूंगी, उसके बाद ये थाली में मैंने घी लगा लिया है उसमें डाल दूंगी। तो और घी मैंने इस वजह से लगा लिया है कि घी से क्या होता है ना, एकदम जो थाली में चिपकती नहीं है और अच्छे पीस अच्छे हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे घी की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पर मेरी बर्फी बन के तैयार है, और आप लोगों ने क्या क्या मिठाइयाँ बना ली हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए मैंने आज रसगुल्ले और छेना और बनाए थे, वो अगले भी ब्लॉग में आएगा, क्योंकि ब्लॉग ये फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने केवल इसी बर्फी बर्फी का ही ब्लॉग रखा है। और तो देखिए मैंने थाली में करके और एक घंटे के लिए रख दी थी, एक घंटे में ही मेरी बर्फी बन के तैयार। ये देखिए मैंने पीसेस कर दिए हैं, ये काट दिए हैं, काट तो मैंने हल्के गरम थी तभी मैंने चाकू से कट कर दिए थे, तो ताकि पीस अच्छे बन पाए। और देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे पीस, एकदम कोई नहीं ना टूटे ना, बहुत अच्छे पीस एकदम हुए। तो देखिए आज की मेरी बर्फ़ी आप लोगों को कैसी लगी, अगर आप लोगों को मेरी बर्फ़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी बर्फ़ी आप लोगों को कैसी लगी। और देखिए आज बड़ी दीपावली है, तो बड़ी दीपावली के लिए एक दीपक जो पूजा होती है दीपक रखा जाता है, तो वो मैं एक बड़ा वाला दीपक हमारे यहाँ एक रखा जाता है, आपके यहाँ कैसे होती है कैसे नहीं होती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर बाहर, वो भी बाहर रखा जाता है, तो मैं बाहर रखने जा रही हूँ दीपक, और आप लोग भी आ जाइएगा तो शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली आप लोगों को भी, सभी हमारी यूट्यूब फैमिली को। बच्चों ने वीडियो बनाई है तो आपको पता ही है कि कैसे बच्चे बनाते हैं, तो आप। और देखिए फ्रेंड्स आज शनिवार था, तो एक दीपक मैंने शनिवार को शनिदेव का लगाया था, वो मैं बाहर गेट पर लगा देती हूँ, और एक दीपक मैंने आज बड़ी दीपावली है उसका लगाया था। तो आराध्या बना रही थी व्लॉग, उधर नहीं दिखाया उसने, तो मैंने देखिए यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। और आप लोग बने रहिएगा हमारे व्लॉग के साथ, व्लॉग मेरा पूरा देखिएगा, और ब्लॉग मेरा अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ये ब्लॉग।